सूरज उग रहा है। केवाट नदी के पास हम आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग बन रहा है। सुबह सुबह का टाइम है और नदी के किनारे है। अभी हम नदी के, ये माँ तमसा नदी का सहायक नदी है और तमसा जो है, माँ तमसा जो है वो गंगा में जाके मिलती है। तो ये केवाट नदी है जो यहाँ बसी हुई है, ये माँ तमसा की जो है सहायक नदी है और माँ तमसा जो है वो गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो यदि हम छोटी नदियों पे काम करें तो संभवतः हम लोग जो है बड़ी नदियों को बचा सकें। अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है और ये एक छोटा सा पुलिया है, 7-8 गांव को ये सहारा देती है। थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है यहाँ पे भी। गर्मी आने के बाद ये पूरी गर्मी में पूरा सूख जाता है, ये कम्प्लीटली सूख जाता है। ये संजीवनी फार्म है हमारा इस तरीके से, और ये बस हम इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा कार्य और है और इसको एक खूबसूरत फार्म के रूप में, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, नेचुरल इंटीग्रेटेड फार्मिंग के रूप में डेवलप किया जा रहा है। जर्मिनेशन हमारा शुरू हुआ है लेकिन लोगों ने इस भीटे पर चल चल के पूरा रास्ता बना दिया। ये जर्मिनेशन हुआ है हमारा, जर्मिनेट होना शुरू हो गया है। इनको मना करना पड़ेगा यहाँ पे चढ़ने के लिए ना, जर्मिनेशन तो हो रहा है ऊपर लेकिन पूरा खराब कर दिया है। आगे है ना, ऊपर बीज सही से डाला था, उधर लास्ट में आते आते बीज इधर उधर फेंक दिए गए। यहाँ पे हुआ जर्मिनेशन, ठीक है। यह छादन कराया गया है।